हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम उत्तराखंड आ रहे थे और आज हमें हरिद्वार और हम जा रहे हैं हर की पैड़ी। और अभी हर की पैड़ी निकल रहे हैं, आप ये देख सकते हो रूम। यहाँ हम रुक गए थे रात को क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि दिल्ली तक जाने का, पर हमने सोचा यहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ हम रुक गए होटल में, हमने रूम ले लिया था। तो अब चलते सीधा हर की पैड़ी। तो ये री पार्किंग होटल की और हमारी बाइक खड़ी वहाँ पर। तो ये मेन रोड है, ये देखिए। तो इस लाइन पे बहुत सारे होटल हैं। अभी हमारे होटल का जो नाम है वो यहाँ पर है, होटल हेरिटेज संदेश ये रहा। और हमारा होटल है ये वाला। तो चलो आप चलते हैं सीधा हर की पैड़ी। और ये रही मेन रोड, ये रोड सीधा जाती है दिल्ली। यहाँ से दिल्ली है लगभग 200 किलोमीटर। चले अब। तो अभी हम पहुंचने वाले हर की पैड़ी। तो अभी भीड़ भाड़ तो कम ही लग रही है। भीड़ बहुत होगी भाई वहाँ, यहाँ काम लग रही है। अभी दुकानें नहीं खुली ना, नहीं इसलिए लग रहा है ऐसा। तो अंदर चल के देखते हैं। अभी ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये है मेन गेट, मतलब यहाँ आगे भी है मेन गेट। हाँ, ये यहाँ वालों के लिए है ये वाला। हाँ, इस साइड वालों के लिए है ये। देखो बहुत सारी दुकानें हैं, 24/7 खुली रहती हैं। ये देखो नज़ारा। कौन कहता है कि हरिद्वार में जो है रात होती है, सुबह सुबह हजारों लोग हैं। अरे पता क्या, सुबह की आरती कितने बजे होती है पता नहीं, कितने बजे होती है। हाँ हमें काम पर स्नान करके चाहिए ना। मुझे लग रहा है सुबह की आरती हो रही है। सुबह की आरती हो रही है क्योंकि जब जहाँ बैठते हैं लोग आरती के लिए रात को, अभी बैठ रखे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी शाम की, यहाँ के आरती अभी सुबह के खत्म होगी, हम शाम की दिखाएंगे है ना। आज शाम को आरती यहाँ दिखाएंगे। तो वहाँ पर अभी खत्म हो भी गई मुझे लग रहा है ना। ये देख लो टाइम सुबह के, लोग नहाना बंद नहीं कर रहे। ये है जी सुबह का नजारा, कलरफुल। ये देख, तो आरती खत्म हो चुकी है और हम आगे बढ़ते हैं। नमो नमः, मेरा नाम चंदन पांडे है, हर की पैड़ी से ही हूँ। ये तीर्थ पुजारी के रूप में यहाँ पर प्रशस्त हूँ। और हरिद्वार और घाट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरा सुरैरवंदित दिव्य रूपम, मुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम, भावा अनुसारेण सदा नरानाम। माँ गंगा तरण तारिणी, मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी। कई वर्षों से जब राजा भागीरथ जी ने इनको पृथ्वी पर लाया, तब से अविरल वह बह रही हैं, सभी के पितरों का उद्धार कर रही हैं, कामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। तो ऐसे माँ गंगा को बारंबार प्रणाम है। हरि मने विष्णु, भगवान नारायण के चरण कमलों पर जो स्थान स्थित है वो हर की पैड़ी है। हरि मने विष्णु, और पैड़ी मीन्स पाँव। जो स्थान भगवान नारायण के चरण कमलों पर अवस्थित है, जहाँ पर नारायण के चरण कमलों को धोते हुए माँ गंगा जी सुरसरी नित्य बहती है, ऐसे स्थान जो हर की पैड़ी कहलाता है। हर मने भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ जो केदार क्षेत्र भी इस क्षेत्र में है उत्तराखंड में, तो केदार क्षेत्र के नाम से भी इस स्थान को हरद्वार कहा जाता है, यानी हरद्वार और हरिद्वार। परंतु विष्णुश्च हृदयम शिव,
और रुद्रश्च शिवम रुद्रश्च हृदयम विष्णु, यानी भगवान रुद्र के हृदय में भगवान नारायण वास करते हैं और भगवान नारायण के जो दिन रात भगवान भोलेनाथ के ही नामों का संकीर्तन करते हैं, इसलिए दोनों के नामों में संशय तो नहीं है, स्थानों में भी संशय नहीं है कि भाई शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव, दोनों स्थान एक ही है। केवल कहने का तात्पर्य है कि हम हरिद्वार कहते हैं और हरिद्वार कहते हैं, वो स्थान एक ही है। समुद्र मंथन से कुछ यहाँ पर संबंधित कोई कथा है? समुद्र मंथन के विषय में कहा गया है कि देवता लोग बलहीन हो गए थे, उनके ऐश्वर्य शक्ति को राजा बलि ने छीन लिया था, तो समुद्र मंथन के द्वारा सुर और असुर, जैसा कि सबको विदित है कि राक्षसों में और देवताओं दोनों एक ही कश्यप, कश्यपात्मज, कश्यप ऋषि के ही दोनों संतान हैं, दिति और अदिति के। भगवान देवता लोग, इंद्र आदि लोग और राक्षस लोग, बलि आदि दैत्य लोग जो हैं, तो दोनों ने ही मिलकर के समुद्र मंथन किया, क्योंकि एक व्यक्ति के विषय की बात नहीं थी कि समुद्र मंथन कर दी जाए और उसमें से रत्न आदि को प्राप्त कर लिया जाए। तो दोनों का समन्वय, देवताओं और असुरों के, राक्षसों के समन्वय से ही समुद्र का मंथन किया गया और उसमें से सबसे पहला विष ही निकला। बहुत सारी अन्न रत्नमयी धातुएं निकली, महालक्ष्मी निकली आदि निकले, तो उनके लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। देवताओं के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ में विराजित किया। इस कार्य को, जो अमृत का कलश था और बांटने का दायित्व था कि सामान्य रूप में आप इसको वितरित करें देवताओं और राक्षसों में, तो उस समय इंद्र के पुत्र जयंत को इसका कार्य दिया गया, कार्यभार दिया गया। कहते कि छीना झपटी में अहम पूर्वम पीव, मैं पहले पीऊँगा। इस छीना झपटी में पूरे भारतवर्ष में वह अमृत के कण चार जगह गिरे, हरिद्वार में जो गिरे वो इस स्थान में गिरे, इसलिए कुंड ब्रह्म कुंड ही नहीं अपितु अमृत कुंड कहलाता है, जो अनंत कालों तक रखने के बाद भी इसके जल में कोई खराबी नहीं होती और ये ब्रह्म कुंड कहलाया। एक श्वेत नाम के राजा थे, पुराण अंतर्गत आता है, उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या करी, भगवान ब्रह्म को प्रसन्न किया और ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि हे ठाकुर जी, हे ब्रह्मा जी, जिस स्थान पर मैंने आपके नाम से तप किया, आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से तप किया है, वो आपके ही नाम से जाना जाए, केवल आप अपना नाम दे दीजिए, संज्ञा दे दीजिए। तब से यह कुंड अमृत कुंड ब्रह्म कुंड कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा ब्रह्मपुर से आया हूँ। और कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, मैं एक महीने यहाँ वैशाख मास व्रत करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ, एक महीने तक हम रुकेंगे। और कैसा लगा यहाँ आके आपको? बहुत बढ़िया है और परिवेश बहुत बढ़िया है, स्वच्छ है, बहुत पवित्र लगता है। माँ गंगा की चरणों में मैं स्नान करने के लिए सवेरे आते हैं और आरती देखते हैं और शाम को भी माँ गंगा की पवित्र आरती है। यहाँ और लोग भी आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आओ, बहुत लोग आते हैं, बहुत प्रदेश से बहुत लोग से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, ये वीडियो थी हर की पैड़ी की और इससे पहले भी मैंने उत्तराखंड की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।